आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर ग्रुप के फ्यूचर रिटेल स्टॉक के बारे में, साथ में इसके जो छोटे बड़े कंपनी हैं सभी को देखेंगे। इस स्टॉक को लेकर के कंटिन्यूअसली न्यूज ट्रेंड होते हुए दिख रहा है जो कि पॉजिटिव साइड ही है और मुझे पर्सनली इस स्टॉक को लेकर के बहुत ही बुलिश हूँ। और क्रेडिटर मीटिंग नेक्स्ट मंथ 20 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के आसपास का रखा गया है और जिस प्रकार से रिलायंस ने इसके सुपरमार्केट को के चेन को एक्वायर करा है, ये एक पॉजिटिव न्यूज है जितने भी इसके इन्वेस्टर हैं ट्रेडर हैं सभी के लिए। ओवरऑल फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक को देखें तो फ्यूचर रिटेल कंटिन्यूअसली 48 के सपोर्ट पे जो ट्रेड होते हुए दिख रहा है, जिस प्रकार से ये कंसोलिडेट हो रहा है, एक बेस बनते हुए दिख रहा है और सियोरली इस स्टॉक में बाउंस बैक दिखेगा और 100% का रिटर्न विद इन 3 मंथ तो सियोरली दिखने वाला है। वहीं दूसरे स्टॉक को देखेंगे, एक FELDVR फ्यूचर इंटरप्राइजेस करके है, अगर आप उस स्टॉक को देखेंगे तो 9-10% की तेजी अपर सर्किट में रहा है। उसके बाद FEL को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो स्टॉक में भी आज 5% के आसपास का तेजी दिखा है, जिसको कि फ्यूचर इंटरप्राइजेस के नाम से है। दूसरा FSC वो लगभग 65 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर कंज्यूमर 7 रुपये का, सभी स्टॉक में हमने तेजी दिखा है लगभग FSC और फ्यूचर रिटेल को देख करके, जो कि कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है क्योंकि उसके प्राइस जो है 48-50 के ऊपर है और जितने भी छोटे प्राइस के स्टॉक थे सभी स्टॉक में अपर ट्रेंड लगते हुए दिख रहा है, तो श्योरली ये स्टॉक आपको बाउंस बैक करेगा और रिकमेंडेशन होल्डिंग की रहेगी। विद इन 3 मंथ आप होल्ड करिए, मिनिमम 30% रिटर्न तो आपको श्योरली मिलने वाला है।